दादी के पास रहना है? नहीं, वो ना बोल रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवा रिद्धि ब्लॉग। और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हमारी नई वीडियो आते ही आप सबको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग मतलब पापा जी की डेथ हो गई तब से रिद्धि के मायके में हैं। तो 25-26 दिन हो गए हमारे रिद्धि के मायके में, तो आज हम लोग वापस घर जा रहे हैं। तो चलो अभी चलते हैं नीचे रिद्धि और युवान के पास। अभी वो रिद्धि रेडी हो रही है, देखती रेडी हुई या नहीं। तो ये देखो गाइस, मतलब रिद्धि रेडी होकर ही बैठे हैं। ये देखो बैग भी पैक कर लिए। युवान, युवान, तो देखो मतलब हम लोग जाएंगे और पूरे घर में मतलब सन्नाटा सन्नाटा हो जाएगा, क्योंकि पूरे दिन ये शोर करता रहता है, किसी को सोने नहीं देता, किसी को बैठने भी नहीं देता एक जगह पर। थोड़ी देर उस तरफ जाता है, उस तरफ जाता है, उधर चढ़ जाता है, वो गिरा देता है। और अभी हम लोग मतलब जैसे ही जाएंगे घर में एकदम शांत शांत हो जाएगा ना दीदी। देखो नहीं यू आर, तो मतलब अभी कितने दिन मतलब 25-26 दिन के बाद घर जा रहे हैं ना। तो मैं तो मतलब बीच में एक दो दिन गया था, लेकिन दीदी तो मतलब जब से पापा जी को ऐसा हुआ तब से इधर ही थी। और ये देखो अब हम लोग के जाने के बाद प्राची और मम्मी जी दोनों ही रहेंगे घर में। मामा जी आते हैं ना दीदी, लेकिन वो सिर्फ रात को आते हैं, क्योंकि पूरे दिन तो वो काम पे होते हैं। तो चलो अभी चलते। और ये रही देखो, एक बार देख लो, ये रही पापा जी की तस्वीर, जो कि 15 तारीख को हुआ था। चलो अभी इवन नहीं आना, नहीं आना, घर नहीं जाना, घर जाना है, घर जाना है या रहना इधर दादी के पास रहना है? नहीं, वो ना बोल रहा है। और ये रहे इवन के मामा, जो कि ये अभी तो दूसरे घर पे रहते हैं, क्योंकि चाचा जी रिद्धि का चाचा का लड़का है रिद्धि, तो वो तो अलग रहते हैं। तो इस घर में तो मतलब प्राची मम्मी जी और मामा जी आते, लेकिन बोला कि रात को ही आते हैं सिर्फ, और सुबह काम पे वापस चले जाते हैं। तो चलो रिद्धि भी चलते हैं। तो भी मतलब सब लोग इमोशनल हो गए थे, क्योंकि पापा जी को ऐसा हुआ और इतने दिन के बाद घर जा रहे थे, सभी लोग मतलब इमोशनल हो गए थे। चलो अभी चलते नीचे। तो दोनों ही बैग आगे रख लिए, लेकिन ये मोड़ने में प्रॉब्लम होगा, देखते डिक्की में आएगा तो आएगा, तो एक रख लेते अंदर। तो अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। तो पहले हेलमेट को निकाले दो, क्योंकि देख गर्मी गर्मी लग रही थी और पाल कैसे हो गए। और ये देखो युवान, उसकी बुआ के पास चला गया अभी आते ही। युवान इधर देख, बुआ को पहचान रहा है, ये तेरी बुआ है, पहचान रहा है। देखो अभी पहले तो ये मतलब पूजा के पास जाने के लिए रोता था, और अभी पूजा के पास से मेरे पास आने। देखो अभी क्योंकि अभी 25-26 दिन के बाद गया ना, अभी देखा पूजा को, इसीलिए वो तेरी बुआ है, बुआ है तेरी, भूल गया। देखो पूजा तेरे को भूल गया। युवान जा एक्टिवा पे लेकर जाएगी, जा एक्टिवा लेकर जा पूजा। देखो जा, तेरे को बुआ एक्टिवा पे लेकर जा रही, चुप हो गया। देखो देखो कैसे चुप हो गया।
अच्छे से पकड़ दो, बस 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 बस, अभी वापस खड़ी हो जा, अभी रोएगा। ये देख, नहीं लेकर गई है युवान, बुआ तेरे को लेकर नहीं गई। देखो अब लगता है उसको धीरे धीरे याद आ रहा है कि ये मेरी बुआ है। युवान याद आया कुछ? याद आ रहा है? आ रहा है। कहाँ रिद्धि कहाँ गई? रिद्धि भाभी अंदर है कपड़े बदलने में। तो अभी देखो आती कपड़े चेंज करने चली गई रिद्धि। चुप हो जा, ज्यादा आवाज नहीं। और अभी दादा, युवन के दादा और चाचा वो दोनों घर पे नहीं है, नहीं तो उसके युवन को देखकर मतलब इतना खुश हो जाते हैं ना पूजा। हाँ। वीडियो कॉल पे भी पूजा से बात नहीं करता ज्यादा, लेकिन उसके दादा से इतनी अच्छे से बात करता है ना। हाँ, बहुत ही। किसी के साथ मतलब वीडियो कॉल पे बात नहीं करता उसके दादा के अलावा। तो चलो अभी बहुत हो गया, चलो पानी पीते अंदर जाके। और ये देखो चेंज कर लिया। हाँ। तो मतलब आते ही इतनी देर में चेंज भी कर लिया। अरे वो युवान ने उल्टे कर दी। हाँ तो देखो अभी आते 5 मिनट भी नहीं हुई और इसने चेंज भी कर लिया। तो चलो मेरे को भी पानी पीना है, भी प्यास लगी। ए दादी, अरे देखो दादी क्या कर रही है अभी, आज भी वही बना रही। देखो जो कि आगे हमारे घर पे मतलब दावत थी तब ये दादी बना रही थी, जो कि आप सबको पता ही होगा। इसको हमारे भाषा में तो पौधा बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं पता नहीं। तो दादी बना रही है तो ये खाने में बहुत ही मज़ा आता है चाय के साथ। तो अभी पानी पीना है तो चलो पानी पी लेता हूँ। तो ये देखो युवन अभी उसके चाचू के साथ कैसे खेल रहा है, मतलब देखो बहुत दिनों बाद मिले ना इसीलिए। तो अभी ब्लॉग को एंड कर लेते हैं, नहीं तो ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। और मतलब पूजा के साथ तो पूजा के पास मतलब युवान जा ही नहीं रहा था, पहचान नहीं रहा था पूजा को, क्योंकि 25-26 दिन के बाद युवान को देखा, मतलब पूजा को देखा युवान ने, इसीलिए पहचान नहीं रहा था। लेकिन उसके चाचू को मयूर को पहचान लिया था युवान ने ना। हाँ। मयूर भाई के साथ अच्छे से खेल रहा था युवान। और युवान के दादा घर पर नहीं है, दादा दादी दोनों घर पर नहीं, वो बाहर गए हैं। अगर युवान के दादा घर पर होते तो मतलब उनको तो आराम से युवान पहचान लेता है ना रिद्धि। हाँ। क्योंकि वीडियो कॉल पे वो किसी से बात नहीं करता युवान, सिर्फ उसके दादा के साथ ही वीडियो कॉल पे बात करता है। तो वो होते तो उनका भी कैप्चर कर लेते वीडियो पे, लेकिन वो अभी रात को लेट आने वाले, तो ब्लॉग को एंड कर लेते हैं ना रिद्धि अभी। हाँ। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाय गर्लफ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गर्लफ्रेंड्स।